पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। समझाया था ना, मतलब काम के बीच में ना घुसना। हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई हो। मैंने देखने में कोई गलती कर दी होगी। सुंदरी चाची बिल्कुल ठीक कह रही थी। रात का समय था और मैं बहुत नींद में थी, तो शायद मैंने ऐसा लगा कि मैंने वहां किसी ने खड़े देखा, पर शायद कोई भी ना था। मेरी गलती है, मैं माफी मांगती हूँ। अगली बार नींद में आंखें खोली रखना। खड़े ही रहोगे? चलो काम पे लगो सारे। पैर दुख रहे होंगे ना तेरे, मैं तो बहा देता हूँ। अब कोई दर्द नहीं हो रहा, आप हाथ हटाइए। ये करके क्या आप मेरे सर पर पाप चढ़ाएंगे? पाप तो मेरे सर पे भी चढ़ रहा ना। माँ ने तेरे को सजा दी, मैं कुछ बोल भी ना पाया। वो तो प्रकृति ने बात संभाल ली आकर, वरना माँ तुझे 100 चक्कर लगवाती। हाँ ये बात तो सही है। और मीत हमेशा कहती है ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। मानता हूँ ये बात, पर इस बात का अफसोस भी रहेगा मुझे। बड़ी वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन सरकारपुर और घरवालों को ना कभी अपनी अच्छाई से जीत ना पाएगी। मैं दिन रात यही मनाती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मीत कुश्ती प्रतियोगिता में जीत जाए। झूठ बोला है ना? जो औरत दूसरी औरतों की इज्जत ना करे, उनका दर्द ना समझे, उसने मैं कोई भी जवाब देना जरूरी ना समझती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।